सारा आवाज यस सर। तो बुक में मत देखना, ठीक है? बुक देख के करोगे कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी देखो क्वेश्चन जो इसमें मैं क्या क्या दिया हुआ है ना। ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, यानी कि टी इक्वल टू कितना है, 0.5 सेकेंड, है ना। और तुम्हें जी भी दिया हुआ है, जी हो या ए एक ही बात है एक तरह से, है ना। जी इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो जी है दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो यानी कि जी लो या फिर ए लो, ए को भी हम क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, है ना। तो स्ट्राइकिंग द ग्राउंड यानी जब वो हिट करेगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, मतलब कि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है ना, वी, है ना। यस और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ए कार फॉल्स ऑफ अ लेज, सीधे लेज से गिर रहा है, यानी कि शुरू में क्या था उसका, जीरो। तो यू इक्वल टू जीरो ले लेंगे। अगर बोलता है कि इट्स इनिशियल स्पीड वाज दिस मच, कुछ लिखा है तब बात अलग है, कुछ नहीं लिखा मतलब कि उसका शुरुआत में जीरो था, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हम लिख देते हैं 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी कि जब वो स्ट्राइक ग्राउंड को कर रहा था तो उस टाइम उसका स्पीड कितना था, यानी कि v इज इक्वल टू, पता है हमें u प्लस ए टी, है ना। और v निकालना है, u तो हमारा जीरो है, a कितना है 10 लेना है, और t कितना है 0.5। 10 × 0.5 क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा v, समझ में आया, यस यस सेकेंड क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, है ना। कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और यू प्लस वी बाय टू, ये नहीं पढ़ा था, यस सर। ठीक है। तो यू क्या है हमारा जीरो, और वी हमारा निकल गया 5 डिवाइडेड बाय 2। अगर दोनों दिया है तो सीधे दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2.5, है ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्लियर करता हूँ। डन। नाउ थर्ड क्या है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, कितना हाई है ना फ्रॉम द ग्राउंड। ये यानी कि ये हाइट निकालना, हाइट का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या निकालेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन यहां से चला, लेट दिस बी पॉइंट ए, और यहां अब तक गया, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस ही है ना। एक्सेलरेशन क्यों निकालेंगे, हाइट यस सर। निकालना हो या फिर डिस्टेंस, बात एक ही है। और डिस्टेंस का क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, अब यस यू तो हमारा जीरो हो जाएगा, तो यू टी जीरो हो गया, प्लस हाफ, है ना, इंटू ए कितना दिया है, 10 लेना है, ठीक है। 0.5 आया था ना, जी तो दिया है ना, यस 0.5 टोटल इतना यस टाइम लेता है ना, इसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, ये तो कट गया 2.5 था, तो 5 × 5 = 25.25, 25 × 1 = 125, तो 1.25 मीटर, ठीक है। यस ओके, तो इसको लिख लिया, क्लियर कर दूं। वन मिनट। यस माना छुट्टी हो रहा है ना, अप्रैल सभी छुट्टी चल रहा है ना। यस डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर फेंक रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड्स, एंड राइजेस टू ए, कितनी दूर तक गया, राइजेस टू ए हाइट
हाइट ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स। एंड सेकेंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, दो क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका अपवर्ड्स, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद जब ये रीच किया 10 मीटर पे, तो उसका उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद तो इसका स्पीड 0 हो जाएगा ना। उसके बाद जब वापस आ रहा है, तो पहले तो इसका स्पीड कितना हो गया? 0 हो गया, है ना। तो इसमें हम वी को क्या ले लेंगे? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब हमने फेंका उसके बाद में सबसे ऊपर जाके जब रुका, मतलब 10 मीटर उसने ट्रेवल किया। हाइट कितना है? 10 मीटर ना। तो अगर हम डिस्टेंस 10 मीटर ले लेंगे, ऐसे हम लोग एस को 10 मीटर ले लेंगे, ठीक है, तो वी क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। और जी जो है वो क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मगर 9.8 कब लेते हैं? जब नीचे आ रहा होता है। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर फेंक रहे हैं, है ना। तो जब ऊपर फेंकेंगे तो हम लोग क्या लेंगे? ए इज इक्वल टू जी, तो 9.8 ही होता है, फिक्स है, बट ए जो लेंगे यहाँ पे एक्सलरेशन, दैट इज -9.8, क्योंकि दिस इज नॉट एक्सलरेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ डी एक्सलरेशन या रिटार्डेशन। कि जो हमने ऊपर फेंका तो धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा ना। कोई पत्थर ये ऊपर फेंक रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड कम होता जाएगा। जब उसका स्पीड कम होता जा रहा है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये ध्यान देना है कि हमारा स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ हो रहा है हमारा रिटार्डेशन, जहां पे रिटार्डेशन होता है वहां हम एक्सलरेशन को इक्वल टू माइनस लिखते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्या है? वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन, यानी कि हमें यू निकालना है ना। तो अब देखो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। क्योंकि तो देखो यहां हमें टी कहीं नहीं दिया, टाइम दिया कहीं? टाइम कहीं नहीं नो दिया सर, ना। नो टाइम सर, दिया है तो हम लोग वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं लगा सकते। दूसरा, एस इक्वल टू यू टू प्लस हाफ 80 स्क्वायर नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों में ही टी है। तो हमको ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए जिसमें टी नहीं लगाना पड़े। तो हमको लॉजिक लगाना है कौन सा इक्वेशन लगेगा। हमने 3 इक्वेशन पढ़े हैं, है ना, उसमें से ये जो इक्वेशन है इसमें कहीं भी टी नहीं है, तो हमारे लिए अच्छा हो गया। अब वी को क्या ले रहे हैं? 0। यू स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, है ना। प्लस 2 इंटू ए क्या लिया है? -9.8, है ना। और एस क्या है? टाइम, आई एम सॉरी, डिस्टेंस 10 मीटर। एस यहाँ पे डिस्टेंस है ना, 10 मीटर ऊपर गया, है ना। तो यू स्क्वायर को यही रहने दो। अब 9.8 इंटू 2 इंटू 10, है ना। 9.8 इंटू कितना हो जाएगा? 19.6। 19.6 इंटू 10 हो जाएगा 196, और जब लेफ्ट साइड आएगा तो वो हो जाएगा प्लस में, है ना, 196। तो दैट मीन्स यू इक्वल टू रूट अंडर 196, है ना। ये 14 होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 14 क्या हो जाएगा? 14 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हो गया हमारा यू, ठीक है। अब इसके बाद में सेकेंड क्या बोल रहा है? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो अगर हम लोग वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 लिखते हैं सेकेंड के लिए, ठीक है, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, है ना, हमें टी निकालना है। तो वी हमें पता है ना। यहाँ पर यस वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 लेंगे तो वी क्या हो जाएगा हमारा? 0। जीरो और यू यू निकाला ना हमने अभी, फोर्टीन 14, और प्लस 80 है, लेकिन यहाँ हमें माइनस लगाना पड़ेगा, -9.8 इंटू टी, है ना। अब ये 14 उस साइड ले लो तो -14, और फिर -9.8, है ना। तो माइनस माइनस तो कट गया, माइनस माइनस कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। तो 14/10 लेंगे तो 1.4 की अप्रोक्स आ जाएगा, है ना। 1.4 सेकेंड भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, और नहीं तो पूरा पूरा
इसको सॉल्व करके देख लेना, 14 का 7 2 14, 7 2 14, 7 1 7, 7 4 है ना, और 2 7 0.7 मीन्स 10/7 आ जाएगा। 7 1 7, 3 0 7, 4 28, 27 2 1.42, इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड समझ में आया इतना? यस सर, ठीक है, तो यस। सब क्वेश्चंस तो कर सकते हो, है ना? ओके, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ये मास और वेट क्या सेम चीज है या अलग अलग है? ठीक सेम है। क्यों निमिषा? यस सर, सेम ही है। बिल्कुल नहीं, मास जो है दैट इज फिक्स, और यू कैन से एज कॉन्स्टेंट। ठीक है, जो मास होता है वो हमेशा फिक्स होता है, बट वेट डिपेंड्स, दिस इज वेरिएबल। अगर मून पे जाएंगे तो हमारा वेट बहुत ही हल्का हो जाएगा, हम लोग वहां पे उड़ रहे होंगे, लेकिन हम लोग अगर यहाँ ग्राउंड पे हैं तो हम लोग बिल्कुल, हमारा ज्यादा वेट लग रहा है। तो वेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, WEIGHT वेट, और W इज इक्वल टू m × g। ठीक है, तो ये जो g है इसकी वजह से हमारा वेट है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है, बट मून पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन का ड्यू टू ग्रेविटी जो है बहुत कम हो जाता है, इसीलिए हमारा वेट वहां बहुत हल्का हो जाए। लेकिन मास मतलब हमारा जितना मास है वो हमेशा सेम रहेगा, वो जी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मास एम जो है ये कांस्टेंट है। तो एनी मटेरियल इज हैविंग ऑलवेज द सेम मास, बट इट कैन हैव डिफरेंट वेट्स एज पर द लोकेशन वेयर इट इज। समझ में आया? यस ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसको मैं अब क्लियर कर देता हूँ, इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ? ठीक है, सॉल्यूशन, तो वेट निकालना है। तो वेट इज इक्वल टू क्या बताया मैंने अभी, एम एम इंटू इंटू जी है ना, और एम क्या दिया है 10 kg, और जी जी क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना? यहां तक ठीक है? 9 सर, 9.8 केजी। मीटर पर सेकेंड होता है ग्रेविटेशन। हाँ, जी का वैल्यू है ना 9.8। ओके सर, यस। ठीक है मिस्टर प्रिंस, हाँ तो जी जो है दैट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सलरेशन का यूनिट क्या होता है? यूनिट जैसे वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, एक्सलरेशन का भी कुछ होना चाहिए ना, सेम ही है। कुछ तो बोलो, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता सर, हम लोग नहीं जहां पता। भी ए लिखते हैं हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए और तुम लोगों को यूनिट ही नहीं पता। एक्सलरेशन का यूनिट हर जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिख रहे हम लोग, और बोल यस रहे हो सर, पता ही नहीं है। तो क्या हो गया आंसर? 98। ठीक है, वेट हमारा कितना आ गया? 98 केजी। 98, और इसको हम लोग एन भी डिनोट करते हैं। वेट इज इक्वल टू एक तरह से 98 N, ठीक है, 98 न्यूटन। ठीक है, अगर तुम्हें ओके एफ सर, बोलेगा निकालने के लिए, है ना, फोर्स, तब भी m × a ही होता है, और यहाँ पे ग्रेविटेशन है तो m × g लिखेंगे, है ना, इज इक्वल टू सेम ही आएगा 98 न्यूटन। ठीक है,
समझ में आया? यस तुम लोगों ने लास्ट चैप्टर का भी कुछ क्वेश्चंस किया नहीं है अभी तक। मोमेंटम वगैरह मैंने कहा था करीब 10 क्वेश्चन करना, मुझे भेजना, कहा क्या किसी ने? मैंने कहा था बुलेट वाला भी करके देखना, कुछ स्प्रिंग पे होगा, तो उसके क्वेश्चन तुम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं? भाई फिर जब हम जबकि हम लोग एक एक दिन गैप भी दे रहे हैं, एक एक दिन गैप इसलिए दे रहे हैं ताकि जो हम लोग पढ़े उसको तुम लोग रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, फिर अगले दिन डाउट पूछो। तो तुम लोग एक दिन पूरा आराम ही करते हो, सोचते हो क्या है, चलो छुट्टी है, छुट्टी नहीं है, उस दिन प्रैक्टिस करना। तो हम लोगों ने 2-3 चैप्टर ऐसे खत्म कर लिया, पर इस पे तो भी 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं तो 10 दिन में सारा बुक खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा ना, एक दो तो क्वेश्चन में एग्जांपल दूंगा, उसका तुम लोग अपना दिमाग लगा करना है, नहीं तो m/s² तक तुम लोग को नहीं पता है। और मैं आगे चला जा रहा हूँ, एक्सेलरेशन का यूनिट m/s², ये भी तुम लोग को नहीं पता है। जैसे वेलोसिटी m/s है और मास का हम लोग kg लेते हैं, वैसे एक्सेलरेशन का m/s² है, फोर्स का न्यूटन है। तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मुझे कम से कम 10 क्वेश्चन का उस टाइप का करके भेजो व्हाट्सएप पे, मुझे लगना चाहिए ना। फिर मैं देखूंगा ना, चेक करूंगा, फिर पता लगेगा कि तुम लोगों ने इतना कर लिया है। फिर मैं उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा कि तुम लोगों ने खाली बुक से देख के क्या है कि खुद ट्राई किया है। फिर आंसर्स मैच करो बुक में दिया है तो, कि तुम्हारे आंसर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं, नहीं हो पा रहा तो मुझे भेजो व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो ये सब जो हमने किया है इस बेसिस पे सारे क्वेश्चन करो, है ना। अभी वैसे हमने कितना क्लास लिया, अभी आधा घंटा में नहीं हुआ ना, कर सकते हो ना आधा घंटा इसको? यस तो कम से कम इसी टाइम करो, 4-5 क्वेश्चन बनाओ उसको भेजो, फिर कल करो 4-5 क्वेश्चन। तो हम लोग तो 4 घंटा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ में तुम लोग का भी स्पीड वैसा होना चाहिए ना। टॉपिक्स तो बहुत है, फिजिक्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसमें ज्यादा रटना नहीं है, इसके बाद बायोलॉजी तो बहुत रट सकते हो, केमिस्ट्री में थोड़ा समझना है उसका बता दूंगा मैं। लेकिन तुम लोग अपना स्पीड टच में रहो ना उस हिसाब से, फिर मैथ्स भूल जाओगे तब तक। जो पढ़ रहे हैं वही तुम लोग नहीं रिवाइज कर रहे तो फिर मैथ्स वैथ्स तो और अच्छे से भूल जाओगे। ठीक है, इसका आज ही करो 4-5 क्वेश्चन, मुझे दिखाओ इन सब जो भी तुम्हें बुक्स में दिया है ना एक्सरसाइज, उसमें से करो, फिर मैच करो तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं बुक से। ठीक है, ट्राई करना जरूरी है। ठीक ओके है, आज एंड करते हैं। ओके सर।